हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कृतिका, वेलकम बैक टू कृतिका बीएसी क्लासेस। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पे आज हम एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स का क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ की आज हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसका स्पेशल टॉपिक भी डिस्कस कर हो चुका है, तो उन सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस स्टार्ट हैं। ओके, सो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेकंड पार्ट में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो कि क्वेश्चन जो होगा वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक इवोल्यूशन से होगा, ठीक है। इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, और साथ में आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी क्वेश्चंस होंगे, एंड देन आपके बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द अर्लीस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। यहाँ पे अर्लीस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 26 का आपका राइट है, आपका ए सही है, कैम्ब्रियन होता है, ठीक है, इसका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड होता है। ओके, सो द ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, एग्जांपल ऑफ ए होमोलोगस ऑर्गन। यहाँ पे होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, द आर्म ऑफ ए ह्यूमन, विंग ऑफ ए बर्ड। ऑप्शन बी है विंग ऑफ द इंसेक्ट, ऑफ एन इंसेक्ट एंड विंग ऑफ ए बर्ड। ऑप्शन सी है लेग ऑफ ए डॉग एंड लेग ऑफ ए स्पाइडर। ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे एग्जांपल होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल्स क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल होता है द आर्म ऑफ ह्यूमन एंड विंग ऑफ ए बर्ड, यानी ऑप्शन ई जो है आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पीसीज ऑन हैवली इंस्पायर्ड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी का इवोल्यूशन क्या कहता है, देन द हैवली इंस्पायर्ड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 28 का आपका राइट है, आपका डी सही है, गैलापागोस आइसलैंड होता है, ठीक है, सो द डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, वॉज कंसिडर्ड एट ए मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। यहाँ पे मिसिंग लिंक यानी कनेक्टिंग लिंक से कभी भी ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम एमएससी का नहीं होता जिस टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल और बर्ड की मिसिंग लिंक क्या होता है, तो आपको पता है कि आर्कियोपटेरिक्स होता है। ओके, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नंबर 30 है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन सा है, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होगा देन द ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, तो वो है आपका 30 का ए यानी वाटर। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नंबर 31 है, न्यूक्लियो प्रोटीन वेयर द फर्स्ट सबस्टांस टू द गिव साइन ऑफ। यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियो प्रोटीन में सबसे फर्स्ट सबस्टांस जो साइन ऑफ किया गया था, ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन ए है स्पीसीज, ऑप्शन बी है इवोल्यूशन, ऑप्शन सी है लाइफ, ऑप्शन डी है जीनस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियो प्रोटीन में सबसे पहला फर्स्ट सबस्टांस था जो कि गिवन साइन ऑफ किया गया था, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट है ऑप्शन सी आपका सही है, लाइफ। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, मिलर एंड रे हैंड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू द प्रूव द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, दे टुक गैसेस H2 एंड CH4 अलोंग विद। यहाँ पे मिलर एंड रे ने जब अपना परफॉर्म किया था एंड द एक्सपेरिमेंट टू द प्रूव ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, क्या प्रूव किया था ऑरिजिन ऑफ लाइफ, गैसेस ऑफ द H2O एंड यानी आपका वाटर एंड द CH4 यानी आपका मैथेन अलोंग विद क्या हुआ था। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो N2 एंड H2O, ऑप्शन बी है NH3 एंड H2, ऑप्शन सी है CH4 एंड N2 एंड ऑप्शन डी है CO2 एंड NH3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट है आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन द पॉसिबल एनर्जी सोर्सेस वेयर। ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है ग्रीन प्लांट, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है यूवी रे एंड लाइटिंग। तो यहाँ पे टाइम ऑफ इवोल्यूशन में जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन क्या पॉसिबल एनर्जी सोर्सेस था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 33 का आपका राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, यूवी रे एंड लाइटिंग हो रहा, ठीक है, सो द डी ऑप्शन करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज द रिड्यूसिंग सिंस। ऑप्शंस की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम और द वेरी फ्यू, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन एटम वेयर एक्टिव एंड द मेनी इन नंबर,
ऑप्शन सी है हीलियम एटम वेयर मोर एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन एटम वेयर मोर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में वॉज रिड्यूसिंग क्या सेंस किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर जो 34 का आपका राइट है, आप बी करेक्ट है। हाइड्रोजन एटम वेयर द एक्टिव एंड मेनी इन नंबर, ओके, सो द बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन अकर, यहाँ पे प्रोटीन में क्या आकर हो रहा है, देन द साइट ऑफ डाइजेशन। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं पैनक्रियाज, ऑप्शन बी है रेक्टम, ऑप्शन सी है लीवर एंड ऑप्शन डी है इलम। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन अकर हो रहा है, देन डाइजेशन साइट वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर। सो द क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका राइट है ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है स्टमक के एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी सिक्रेट, क्या बॉडी सिक्रेट करता है, ऑप्शन ए है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन सी है एड्रेलिन एंड ऑप्शन डी है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स में बॉडी क्या सिक्रेट करती है, क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका राइट है ऑप्शन ए सही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी द ट्रांसपोर्ट एज, यहाँ पे द मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपोर्टेड करता है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करते हैं बायोकार्बोनेट, ऑप्शन कार्बिड, ऑप्शन सी है एमाइलेज, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 37 का आपका राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है बायोकार्बोनेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म हैव बुक लंग्स, यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे दिया है स्पाइडर, ऑप्शन बी है एंट, ऑप्शन सी है पेंगुइन, ऑप्शन डी है सी लायन। यहाँ पे कौन सा बुक लंग में ऑर्गेनिज्म हैव कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आपका राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है स्पाइडर होता है। ठीक है, नंबर 39 है अल्टीट्यूड सिकनेस इज टिपिकली कॉज ड्यू टू, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्टीट्यूड सिकनेस जो होता है वो टिपिकली किससे कॉज होता है, ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे द पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन ब्लड, ऑप्शन सी है कोल्ड टेम्परेचर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब ही होता है कि ये ऊंचाई वाली बीमारी, ज़्यादातर लोग ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो ये उन्हें प्रॉब्लम, ये सिकनेस होती है उन्हें। तो इनमें टिपिकली क्या कॉस्ट होगा, तो कौन से कॉस्ट से इनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन ऑप्शंस में से जो आपका राइट है क्वेश्चन नंबर जो 39 है, 39 का राइट है ये आपका करेक्ट है पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द फॉल्स, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है, तो ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड इज द फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ऑप्शन बी एड्रेनल ग्लैंड आर द फाउंड ऑन टॉप ऑफ द किडनीज, ऑप्शन सी है लिम्फ नोड आर द फाउंड ओनली नियर द नेक एंड आर्मपिट, ऑप्शन डी है थायराइड ग्लैंड और द डक्टलेस ग्लैंड। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, तो नेक्स्ट ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इस टाइप का मतलब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से ये सेम क्वेश्चन था, बस ऑप्शन में थोड़ी बहुत चेंजेस थे। इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, लिम्फ नोड आर द फाउंड ओनली नियर द नेक एंड आर्मपिट, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है व्हेन कंपेयर टू द फर्स्ट इम्यूनो रिस्पॉन्स टू द सेम एंटीजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हैलमार्क ऑफ द सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, फर्स्ट इम्यूनो रिस्पॉन्स टू द सेम एंटीजेंस, यहाँ पे सेम एंटीजेंस है, द फॉलोइंग इज नॉट ए हैलमार्क ऑफ द सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, यहाँ पे सेकेंडरी इम्यूनो क्या रिस्पॉन्स करेगा, ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे दिया एंटीबॉडी जनरेटेड फॉर, ऑप्शन बी है मेनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, ऑप्शन सी दिया एंटीबॉडीज जनरेटेड विदाउट टी सेल हेल्प, ऑप्शन डी है एंटीबॉडी प्रोड्यूस फॉर द ग्रेटर एफिनिटी फॉर द एंटीजेंस, यहाँ पे क्या एंटीजेंस, यहाँ पे सेकेंड इम्यूनो क्या रिस्पॉन्स करने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर जो 41 का आपका राइट है ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, विदाउट टी सेल हेल्प का ये एंटीबॉडी जनरेट करेगा सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स में। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलिस्ट ए रिएक्शन दैट द इंट्रोड्यूस रिड्यूस नाइट्रोजन इनटू द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ओके, सो यहाँ पे कौन सा एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन दैट द इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड रिड्यूस करेगा नाइट्रोजन इनटू द सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। ओके, ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन सी है बैक्टीरियल डायोनाइट्रोजिनस रिडक्टेज, ऑप्शन बी है फॉस्फेट, ऑप्शन सी है बैक्टीरियल ग्लूटामिन सिंथेसाइज,
ऑप्शन डी है बैक्टीरियल डाई नाइट्रोजिनस ऑक्सीडेज। ओके नंबर जो 42 का यहाँ पे राइट है, ऑप्शन सी सही है, बैक्टीरिया ग्लूटामिन सिंथेसाइज होगा। ओके सो द सी ऑप्शंस करेक्ट है। ओके नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इपीमर्स। इपीमर्स के एग्जांपल्स क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट है ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फॉर द व्हाइट ब्लड सेल रिकॉग्निशन। यहाँ पे WBC क्या रिकॉग्निशन करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट और द इम्पॉर्टेंट फॉर द व्हाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट है आपका ए करेक्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन में होता, ग्लाइकोप्रोटीन रिकॉग्निशन करता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शंस करेक्ट है। ओके नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कैरिंग जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA फॉर ए प्रोटीन सिंथेसाइज। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व करेगा, इन्वॉल्व कैरिंग जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द DNA फॉर ए प्रोटीन सिंथेसाइज। ऑप्शंस की बात करते हैं, SNRNA, ऑप्शन बी है RRNA, ऑप्शन सी RNA यानी मैसेंजर RNA, ऑप्शन डी है T यानी tRNA यानी ट्रांसफर RNA। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज में क्या इन्वॉल्व कर रहा है, केयरिंग जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन देन द फ्रॉम DNA। ओके सो क्वेश्चन नंबर जो 45 का आपका राइट है ऑप्शन सी सही है, mRNA होगा यानी मैसेंजर RNA होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन द HMG-COA। यहाँ पे HMG का मतलब क्या होता है, आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्यूट्रियल होता है, जिसमें कि यहाँ पे पूछ रहा है कि HMG-CO में कोएंजाइम्स में आपके कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आपका राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, 6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके सो द डी ऑप्शंस करेक्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर 47 है, रिकम्बिनेंट DNA कंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस क्या इन्वॉल्व कर रहा है देन द रिकम्बिनेंट DNA। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 47 का यहाँ पे राइट है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, क्लीविंग DNA विद द रेस्ट्रिक्शंस इंडोन्यूक्लियस एंड बाइंडिंग विद लाइगेज। ओके सो यहाँ पे सी ऑप्शंस आपका करेक्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर 48 है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आर द केमिकली लिंक्ड इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म केमिकली किससे लिंक होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे दिया है ASP, ऑप्शन बी है ADP एंड ऑप्शन सी है ATP एंड ऑप्शन डी यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टरेज लिंकेज। तो यहाँ पे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म केमिकली लिंक्ड इन द फॉर्म ऑफ, किससे लिंक इन द फॉर्म ऑफ होते हैं देन द यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 48 का यहाँ पे राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, ATP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिसिस रिएक्शन दैट द इनकॉर्पोरेट नाइट्रोजन डिराइव फ्रॉम द ग्लूटामिन। यहाँ पे कैटालिसिस रिएक्शंस में कौन सा डैट इनकॉर्पोरेट करेगा नाइट्रोजन डिराइव फ्रॉम द ग्लूटामिन। यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ग्लूटामिन एमिडो ट्रांसफेरेस होगा, ठीक है। सो द बी ऑप्शंस करेक्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन सो मोर द सीक्वेंस सिमिलरिटी अमॉन्ग द यूकैरियोटिक स्पीसीज। मोर सीक्वेंस में कौन सा सिमिलरिटी अमॉन्ग द यूकैरियोटिक स्पीसीज, यहाँ पे यूकैरियोटिक स्पीसीज में क्या सिमिलर होगा, ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हैं, H2A, ऑप्शन बी है H3, ऑप्शन सी है H1, ऑप्शन डी है H2B। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट है आपका बी करेक्ट है, ठीक है, H3 आपका राइट है। ओके सो द ऑप्शंस यहाँ आपका करेक्ट है। ओके सो आई होप कि हमने जो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स का ये सैम्पल पेपर डिस्कस किया आपको पसंद आया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपकी अलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चंस एंड GK के क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपको ज्वाइन करके आप क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चंस को अटेंड करने से आपके लास्ट टाइम में अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। तो हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।